तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका और नई वीडियो में। देखिए आज की मैं आपको सीधे साधे बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं कि आपको कितनी कट ऑफ जा सकती है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के अंदर। जनरल से शुरुआत करता हूँ और देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये वीडियो इतनी लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो मैं 2 दिन एनालाइज करना चाहता था, अभी आंसर की आ गई है, उसके बाद भी मैंने सब क्लियर कर दिया, उसके बाद अभी मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं। और विश्वास मानिए मैंने अपने अपने टीचर से जो SI क्वालिफाई कर चुके हैं, UPSI का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, CGL तक क्रैक कर चुके हैं, मैंने उन टीचर से पूछा, उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, उन्हें जमाने हो गया भाई पेपर देते देते, तो वे जानते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और देखिए मेरा विश्वास मानिए, 2 या 2 नंबर मैक्सिमम 2 नंबर आ गया पीछे कर लीजिएगा, इससे बार कट ऑफ नहीं जाने वाली। शुरुआत करता हूँ मैं आपकी सबसे पहले जनरल की, देखिए 78 लिख लीजिए, मैंने पीछे लिख रखा है अगर दिख रही हो तो, 78 से लेकर 82 नंबर के बीच में जनरल के बच्चे घूमेंगे। ठीक है, यही रहेगा, 2 नंबर प्लस या माइनस कर लेना बस आप। अब बात करता हूँ OBC की मैं, 75 से लेकर 80, 75 से लेकर 80 के बीच में आपकी OBC की कट ऑफ घूमेगी, और यही सेम यही कट ऑफ आपकी गर्ल्स की भी रहेगी, 75 से 80। ठीक है, प्लस प्लस माइनस 2 मन में रखने हैं। अब बात करता हूँ मैं लड़कियों उसकी EWS की, आपकी OBC से ज़्यादा रहेगी जनरल से कम, फिक्स मैं बता नहीं सकता EWS का। देखो मैंने हर जगह एनालाइज किया, मैं EWS का कुछ भी नहीं कह सकता कितनी फिक्स होगी, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ OBC से ज़्यादा रहेगी और जनरल से कम रहेगी। अब मैं बात करता हूँ SC ST की, भाई तार तो दो नातों में घी यार लड्डू है, तुम तो मोज लो, जिसके 70 नंबर भी है ना भाई, मान लो लेखपाल बनी गए तुम तो घर तो जरीब वरीब काट लो, चकबंदी की तैयारी में लग जाओ, तुम तो हरदो ही जाओगे सीधा ट्रेनिंग वापजा। तो बस भाई देख रहे हो यही थी वीडियो में। और देखिए मैं आपको सही बताऊँ, मैं खुद बैठा था एग्जाम के अंदर, तो ये मत मानिए कि मैं आपको बहलाने फुसलाने के लिए बता रहा हूँ, मैं खुद एग्जाम के अंदर बैठा था, तो मुझसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता कट ऑफ। मैं देखिए घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ईमानदारी से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद बैठा था एग्जाम में, मेरे ऊपर ही बीतेगी जो कट ऑफ आएगी, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अच्छे नंबर आए तो मैं खुद घुसाऊंगा, बुरे नंबर आए तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मेरे साथ भी तो सेम होगा ना, तो मैं कट ऑफ ऊपर या नीचे बता के मेरा क्या लाभ है इसमें। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ विश्वास मानिए इतना ही रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।